अहम अपडेट है, आपको बता दें कि पुलिस ने जमान पार्क से पीटीआई के दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। जहांगीर, एक तो इसकी तफसील भी बताइएगा और दूसरा ये बताएगा इस वक्त वहां पर ताजा तरीन क्या सूरत हाल है। इस वक्त भी जमान पार्क के बाहर जो है पुलिस की कोशिश है कि किसी तरह से जमान पार्क में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के घर तक जो है वो रसाई हासिल की जाए। इस दफा जो पुलिस ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन, इसमें बड़ी तादाद में लाहौर जिला, शेखपुरा, गुजरावाला और दीगर जिला की नफरी जो है उसमें इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और सिटी के लाहौर बिलास सदी कमेरा इसको लीड कर रहे हैं। इसके अलावा रेंज की भारी नफरी है, इस वक्त भी शेलिंग का सिलसिला जारी है। अंदर से पथराव भी पुलिस पर और रेंजर्स पर जो है वो किया जा रहा है। अब बख्तरबंद गाड़ी जो है इसको जमान पार्क की जो मरकजी एंट्रेंस है उसके करीब आकर खड़ा कर दिया गया है और अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही है। किसी तरह से ये बख्तरबंद गाड़ी जो है ये चेयरमैन पीटीआई के जो मरकजी दरवाजा जो उनकी रहायश गाह है उस तक ये पहुंच जाए। वाटर कैनन के जरिए कैनाल रोड पर जितने भी पीटीआई के कारकुन जमा थे उनको मुंतशिर कर दिया गया है। कैनाल रोड के दोनों अतराफ पर पुलिस की वक्त वक्त से शेलिंग जारी है और कारकुनों की रंग से भी पथराव का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो जमान पार्क का जो मेन एंट्रेंस है उसके सामने जो कैनाल रोड गुजरती है वहां से तमाम कारकुनों को मुंतशिर कर दिया गया है, ढकेल दिया गया है। ठीक है, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि कारकुनों को मुंतशिर कर दिया गया है। अपडेट कर रहे थे आपसे, मजीद भी जानते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया।